जी हजरत वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एंड इफ यू गो बैक टू आइज़ा 500 लेट्स रीकैप। रिपीट करें, एविडेंस हासिल करने के दो मेथड्स, टीओसी सब्सटेंटिव, टीओसी और सब्सटेंटिव करने के तरीके कॉमन, कायरो 8 बातें, टीओसी कुछ और है, सब्सटेंटिव कुछ और है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीओसी इज टू वेरीफाई क्या कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे या नहीं हो रहे, वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सटेंटिव इज टू वेरीफाई द क्लोजिंग नंबर ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट। सब्सटेंटिव का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, टीओसी का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। टीओसी का ऑब्जेक्टिव कंट्रोल रिस्क को असेस करने के, क्या वो हाई है लो है, और सब्सटेंटिव के जरिए हम अपने डीआर को कंट्रोल करके ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पर लेके आते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। हजरत हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव की सीक्वेंस को जीव है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटर्स, और डेटर स्टार्ट करते ही हम फौरन से प्रवास कर जाएंगे आइजा 505। आइजा 505 इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये 505 हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो कम से कम ये 3 से 3.5 क्लास में कवर किया जाता है। आईकैप का ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है। जो बच्चे ये लेक्चर एफएड के लिए देख रहे हैं, दीज लेक्चर्स, इससे पहले असर्शन था और ये सब्सटेंटिव है, दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एफएड एंड फॉर कैफेड एंड फॉर आईसीएमए। फर्स्ट सिर्फ इतना होगा कि जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहां हल्का सा डिफरेंस आएगा, अदरवाइज दोनों का जो कंटेंट है वो सेम है, लॉजिक सेम है, सारी चीजें जो डायग्राम्स हैं वो सेम है। फर्स्ट सिर्फ क्या है, ये जो कैफ एड का एग्जाम पैटर्न है, तरीके सवाल पूछने का तरीकेकार है वो डिफरेंट है, और जो एफ एड का सवाल पूछने का तरीकेकार है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, तो बहरहाल बच्चे कंफ्यूज ना हो तो लिख दिया हमने प्लस ACCA एफ एड, ताकि आप ये फील ना करें कि हमारा नाम तो और हमारा जिक्र तो आपने बोर्ड पर नहीं किया, हमने आपका जिक्र भी कर दिया। पहले हम करेंगे डेटस, फिर हम कवर करेंगे 505। यहां मैं बता दूं आपको कि जो 505 है उसमें आईकैप के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, और ये 505 आईकैप का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, इस पर बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, जबकि एफ एड के अंदर इस पे इतने सारे सवाल नहीं बनते, और जो सवाल बनते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के बनते हैं। जब मैं पास्ट पेपर्स की वीडियो बनाऊंगा तो वहां मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, ये कंटेंट ये वीडियो दोनों के लिए कॉमन है। फिर हम स्टार्ट करेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, फिर हम स्टार्ट करेंगे फिक्स एसेट, फिर हम कवर करेंगे ट्रेड पेपर्स, फिर हम कवर करेंगे आइजा 580, फिर हम कवर करेंगे 550, और फिर हम कवर करेंगे इन्वेंटरी, और आखिरी सब्सटेंटिव होगा सेल्स एंड परचेजेस। ये सीक्वेंस ही मैंने बता दी, आप इसको नोट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे जो पहला सब्सटेंटिव है वो है जनाब डेटर्स। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, जरा जल्दी से आप मेरी बुकलेट में आएंगे तो हमारे पास पेज नंबर 7 पे सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है आइजा 505, जहां पे दिए हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन एक्सटर्नल कंफर्मेशन। यहां से आइजा 505 जो है वो स्टार्ट होता है, और अगर आप बुकलेट का निकालें पेज नंबर 25 तो यहां से स्टार्ट होता है डेटर्स। सर साजिद ये बताएं, क्या डेटर्स पर सवाल अलग बनता है, क्या 505 पे सवाल अलग बनता है? जी हाँ, दोनों पर सवाल अलग बनता है, प्लस दोनों पर सवाल इकट्ठे भी बन सकता है, और एक ही सवाल के अंदर वो 505 और डेटर्स दोनों को एग्जामिन कर सकता है। आगे जाके बताऊंगा। आईकेएफ के बच्चे खासतौर पर नोट करेंगे, जब एग्जामिनर सवाल करता है 505 के ऊपर तो यहां पर वंस अगेन लिंकिंग आ जाएगी, और ऐसे सवाल भी मौजूद है जहां 505 के साथ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का सवाल भी पूछा गया है, और ऐसे सवाल भी हैं जहां 505 के साथ सैंपलिंग का सवाल भी, सैंपलिंग की लॉजिक भी टेस्ट हुई है। हम बगैर लिंकिंग के ऑडिट कवर ही नहीं कर सकते, लेकिन ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिस्पेक्टिव टॉपिक कवर करने के बाद पढ़ाए जाएंगे। पहले 505 कवर कर लें, 580 कवर कर लें, 530 कवर कर लें, फिर हम ये जो टॉपिक्स जो आपस में लिंक होके आ रहे हैं इनको इंशाल्लाह बाद में कवर कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट बाय फर्स्ट रीडिंग द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन डेटर्स, जो कि बुकलेट के पेज नंबर 25 पे मौजूद है। जी स्टार्ट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन डेटर्स रिसीवेबल, कैन समबडी पोस्ट ऑन द ग्रुप प्लीज। जी नंबर 1, एक्सप्लेन द रेलेवेंट, बी लाउड। जी एक्सप्लेन द रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन फॉर रिसीवेबल। जी पहला सवाल स्टार्ट ही किससे हुआ है, डेटर्स के असर्शन बता दें। जी डेटर्स पीएनएल का आइटम, बैलेंस शीट का आइटम, बैलेंस शीट कितनी असर्शंस, 6, कौन सी, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्ली
और क्लासिफिकेशन और शिरोमणि पुरी जी पढ़ा एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिटर ऑडिट वर्क और ऑडिट प्रोग्राम्स टू वेरीफाई डेटर्स एज ऑन डिसेंबर 31 2017 जी नंबर 3 एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसीजर फॉर डिस्पैचिंग डेटर कंफर्मेशन लेटर और स्टेप्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म इन अंडरटेकिंग द रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन सर्कुलराइजेशन जी सर्कुलराइजेशन Number 4. Explain the possible reasons for disagreement, exceptions for the balance confirmed by the customers as on balance sheet date. Ji. Number 5. Explain the audit procedure, substantive procedure that the auditor will perform to verify sales turnover for the year ended December 31st. Ji. Number 6. Describe the audit work that the auditor will perform to verify provision for doubtful debt, bad debt expense for the year. ठीक है जी. 7. List the sample criteria for dispatching debtor confirmation. As on balance sheet date. Number 8. Scenario based question. Scenario based question. G number 8. Dikhawa, very important. Dubara padho. Scenario based question on debtor plus external confirmation. जी अगर अब आप देखेंगे पेज नंबर 26, 27 तो आपको सब्सटेंटिव के लेक्चर में एक नई चीज नजर आएगी. नोट करके पता है नई चीज क्या है वो. जगह जगह एग्जाम फोकस पॉइंट दिए हुए हैं जनाब. नोट कर रहे हैं जी. पेज नंबर 27 पे भी मौजूद है और आगे के टॉपिक्स में भी मौजूद है. और हर सब्सटेंटिव के बाद मैंने दो दो तीन तीन पेज आपकी नोटिंग के लिए दिए हुए हैं ताकि तमाम चीजें तमाम एग्जाम फोकस पॉइंट तमाम समरीज एक ही मैनुअल में कलमबंद हो जाएं ताकि एंड में कंसोलिडेट करके रिवाइज करना आसान हो जाए. क्या बात है जी. अब आप निकाले पेज नंबर 7-8 लेट स्टार्ट. और यहां से मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ. हजरात लेट स्टार्ट सब्सटेंटिव. हमने इसकी जो पूरा जो बेस है वो सेट कर दिए. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारा पहला सब्सटेंटिव है डेटर्स. कहो डेटर्स. रेलेवेंट असम्पशंस आर आप बताएं. एग्जिस्टेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कंप्लीटनेस क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी वैल्यूएशन एंड और छह हो गए पूरे. एक्यूरेसी वैल्यूएशन एंड एलोकेशन. हाँ एंड एलोकेशन छह हो गए पूरे. चेक करो मिस तो नहीं कर रहा कोई. हो गया दोबारा कर लें जी. क्लास कंफ्यूज है जी. एग्जिस्टेंस चीटिंग कर लें भाई. एग्जिस्टेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कंप्लीटनेस एक्यूरेसी और क्लासिफिकेशन. ठीक है जी जबरदस्त. हम ऑडिट कर रहे हैं पीएसओ का. अब थोड़ी कहानी सुननी पड़ेगी जरा. हम ऑडिट कर रहे हैं पीएसओ का. और पीएसओ के किस चीज का ऑडिट कर रहे हैं डेटर्स का. पीएसओ ने पैसे लेने हैं. पार्टीज ने पैसे देने हैं. ठीक है. हम कौन ब्रांडेड फॉर्म आंसर यंग. ठीक है जी. हाँ जी. कितने डेटर्स. हजार. ए से इतने लेने हैं बी से इतने लेने हैं सी से इतने लेने हैं और ये हैं सन्ड्री डेटर्स. ये सारे छोटे चिल्ड्रन कस्टमर्स हैं जिनसे आपने कमाने तो पैसे लेने. सपोज करें इन सब से आपने 200 लेने हैं और इन बड़े जॉइंट कस्टमर से आपने लेट से 800 रुपए लेने हैं. ठीक है. कुछ कहानी ऐसे हो गई. एग्जांपल ड्रॉ करते हैं जरा. ये पीएसओ है. ये पीएसओ के कस्टमर्स हैं. क्लास में बिल्डअप कर रहा हूं सिनेरियो. ये पीएसओ और ये पीएसओ के तुमने इनसे पैसे लेने हैं. तुमने इनको पैसे तुमने इनको तेल बेचा. तुमने इनसे तेल परचेज किया. हम ऑडिट करने आए और बैलेंस शीट डेट जनाब है December 31st, 2020. बैलेंस शीट डेट क्या है जी. December 31st, 2020. अगर मैं चाहूं तो क्या मैं तुमसे डेटर्स का ब्रेकअप ले सकता हूं. क्या मैं पार्टी वाइज ब्रेकअप ले सकता हूं. क्या मैं कस्टमर वाइज स्टेटमेंट ले सकता हूं. क्या मैं कस्टमर वाइज ब्रेकअप ले सकता हूं. क्या मैं पार्टी वाइज लिस्टिंग ले सकता हूं. ठीक है. क्या तुमने माल बेचा होगा. तुमने पीओ दिया होगा. तुमने सेल ऑर्डर दिया होगा. तुमने माल डिस्पैच किया होगा. तुमने जीडीएन बनाया होगा. तुमने डीएन पे साइन लिया होगा. तुमने इसको इनवॉइस भेजी होगी. तुमने इनवॉइस एक्सेप्ट की होगी. फिर तुमने फॉलोअप किया होगा. तुमने कुछ पैसे दिए होंगे. जो पैसे बच गए वो तुम्हारा क्या है.
जो पैसे तुम्हारे बच गए वो तुम्हारा क्या है? डेटर्स हैं। क्या एज एन ऑडिटर क्या मैं तमाम सपोर्टिंग कागज देख सकता हूँ? हाँ या ना? क्या एज एन ऑडिटर जितने मैंने कागजात बताए मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इनको एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ? मैं नहीं देखूंगा। पूछो क्यों? क्यों के हमारे पास डेटर्स को वेरीफाई करने का एक रिलायबल जबरदस्त हटो बच्चो प्रोसीजर मौजूद है। नाम है उसका एक्सटर्नल कंफर्मेशन ईसी, इलेक्शन कमीशन नहीं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और यहां से शुरू होता है आईजा 50। अब हम पीएसओ के डेटर्स को डायरेक्ट कंफर्मेशन भेजेंगे। क्योंकि कंफर्मेशन इज मोर रिलायबल एंड इज फ्रॉम थर्ड पार्टीज। आईजा 500 रिलायबिलिटी की पांच बातें, रिलायबिलिटी की पांच बातें, एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी इज 505 पढ़ रहे थे रिलायबिलिटी के लिए, घुमा के चौरंगी काट के कहां चले गए? आईजा 500 हो गई लिंकिंग आपस में जबरदस्त। ठीक है जी, अब एक हम एक सीन क्रिएट करते हैं, आप सीन समझेंगे भाई। शाहरुख हमारे साथ हैं आप? ठीक है जी। सबसे पहले मैं अपने पीएसओ कस्टमर के जो रेलिवेंट साहब होंगे, जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पीओसी होगा, जो कि फाइनेंस का बंदा होगा, जिनसे हम कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, ये दे दें वो दे दें वो कागज दे दें ये दे दें वो दे दें। ठीक है जी, ये हमारा एक रेलिवेंट होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिससे हम सारी डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे होंगे, बिकॉज वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्टिंग शेड्यूल। ठीक है जी, बार सबसे पहले मुझे पार्टी वाइज ब्रेकअप दे दें आप, ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना, फलां का इतना। ठीक है जी, कस्टमर्स का ब्रेकअप मैं डिफरेंट तरह से ले रहूंगा, लोकेशन वाइज और रीजन वाइज और कस्टमर वाइज और प्रोडक्ट वाइज, टू बी फर्दर डिस्कस अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन अंडर आईजा 530, बाद में बात करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने आपसे ब्रेकअप ले लिया। क्या ले लिया मैंने आपसे? फिर मैंने कहा भाई जरा मुझे इनका एड्रेस दे दो। बोला सर क्या चक्कर है, आप तो घर जा रहे हैं? मैंने कहा भाई घर का एड्रेस नहीं मांग रहा, मुझे इनका बिजनेस एड्रेस दे दे। ठीक है, इसने कहा क्या करोगे? मैंने कहा बताता हूं, सबर तो रखो। मैंने उसको कहा सबर तो रखो। ठीक है, एक कागज का टुकड़ा, क्या का चांद का टुकड़ा, ये क्या है? कागज का टुकड़ा। कागज तुम्हारा, कहो कागज तुम्हारा, कंटेंट हमारा। इस एग्जाम्पल में आपका नाम है फरीदा, कौन हो आप? ये आपकी असिस्टेंट है, इनका नाम है जमीला, याद रखेंगे फरीदा जमीला, जुलेखा जरीना जुबैदा। ठीक है, ये दौरा जी के इलाके में रहती थी। ठीक, कौन थी? तुम्हें खवातीन के नाम याद नहीं हो रहे, तुम जिंदगी में क्या करोगे यार? फरीदा और जमीला। ठीक है, एग्जाम्पल जरा तफरी फोकस कीजिएगा। एक कागज का टुकड़ा, कागज तुम्हारा, कंटेंट हमारा, कंटेंट हमारा। इस कागज में पीएसओ के जो रेलेवेंट साहब है उनका नाम है जमाल। जमाल ने कहा डियर फरीदा, कैसी हैं आप? उम्मीद है आपकी तरह मौसम अच्छा होगा, यहां सब खैरियत है। वो आए में बहुत तंग कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे कितने पैसे, ताकि मैं इनको कंफर्म करूं कि मैंने तुमसे कितने पैसे। तो मैं तुम्हें नीचे एक टेबल भेज रहा हूं फरीदा, उस कॉलम में मैंने ये लिखा है कि मैंने तुमसे कितने पैसे लेने। डियर फरीदा, तुम जरा अपनी असिस्टेंट जमीला से पूछवाओ कि तुम्हारी बुक्स में क्या पैसे आ रहे हैं, और उससे पूछने के बाद उस कॉलम को भर दो, ताकि मैं देखूं डिफरेंस तो नहीं है, और जवाब डायरेक्ट जब्बार को देना, और डायरेक्ट जवाब जब्बार को देना। जब्बार गुस्से का तेज है, वेट कर रहा है, जब्बार का ताल्लुक, और जवाब जरा जल्दी देना। फकत Kind regards. It's a professional document. जमाल। ठीक है जी, ये कागज का टुकड़ा, क्या कहा? ये कागज का टुकड़ा, ये पानी की किश्ती नहीं। ठीक है, ये कागज का टुकड़ा, इसको कहते हैं एक्सटर्नल। कागज किसका है?
मेरा नहीं, मेरा तेरा नहीं है, कागज किसका है, कंटेंट किसका है, ठीक है, कागज किसका है, इसका मतलब है चूंकि कागज पीएसओ का है तो ये कंफर्मेशन बगैर पीएसओ के दस्तखत के नहीं जा सकती। अब हम ये कागज ऑडिट फॉर्म बनाएगी, जूनियर बंदा जो है वो उसको ऐसे करके फोल्ड करेगा, कागज को फोल्ड करने का तरीका आपको ऑडिट फॉर्म में सिखाया जाएगा, आपसे जहालत दूर कर दी जाएगी, कागज को फोल्ड करने का तरीका है, ठीक है जी। ऐसे हमने क्रीज बनाई, हम एक एनवलप लेंगे, विंडो एनवलप लेंगे, क्योंकि यहां पर फरीदा का एड्रेस आ रहा होगा, ये कागज उसमें ऐसे लिटा दिया जाएगा, साथ में इनकी आसानी के लिए क्योंकि ये रहती है क्वेटा के एक गुमनाम गांव के अंदर, वहां से इनका चिट्ठी आएगी, इनको नहीं पता ईवाई का दफ्तर क्या है, कहीं और भेज रहे हैं, उनको नहीं पता कि ईवाई का एड्रेस कहां है, लिहाजा हम कस्टमर की आसानी के लिए एक प्री एड्रेस्ड एनवलप जिसके ऊपर एड्रेस ईवाई का मौजूद होगा इस कागज के साथ उस लिफाफे में लिटा देंगे। फिर जूनियर से कहेंगे भाई जबान बाहर निकालो, उस पर गोंद लगी हुई होगी, आप ऐसे करके, वो जूनियर है उसने ये खदमात सर अंजाम देनी है, बहुत सारी गोंद आपने जमा की हुई है, शाम तक आपने लिफाफे ऐसे करने, उसके बाद गोंद जाने और जूनियर जाने, ठीक है जी। अब हमने ऐसे करवाया, लिफाफा सील हो गया, 15 कागज तैयार हो गए, ये 15 कागज नहीं, ये 15 एक्सटर्नल कंफर्मेशन है जो जमीला फरीदा जुलेखा जरीना जुबैदा जायदा इन सब के पास डिस्पैच होगा। अब यहाँ सवाल ये है, क्या ये कंफर्मेशन मैं क्लाइंट से कहूं कि तुम भेज दो या आइडियली हमें भेजना चाहिए, किसको भेजना चाहिए, आइडियली ये हमें भेजना चाहिए, किसको भेजना चाहिए। आगे जाके एक और कॉन्सेप्ट दूंगा रिलायबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन, जहां बताऊंगा कि क्लाइंट को कंफर्मेशन देना, इनसे कहना कि आप भिजवा दें, सॉरी पीएसओ, ये पीएसओ है, इनसे कहना कि आप भिजवा दें, या ये मुझसे कहें कि आप फिक्र मत करें, आप चिंता मत करें, ये सारी कंफर्मेशन जो है वो मैं अपने राइडर के जरिए असलम के जरिए भिजवा दूंगा, नहीं, ये कंफर्मेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन ईवाई की हमारी ऑडिट टीम जो पीएसओ पर बैठी हुई होगी ये हम डिस्पैच करवाएंगे और इसकी कंट्रोल शीट मेंटेन करेंगे। कहानी आगे बढ़ती है, वक्त का पहिया आगे बढ़ता है, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये कागज यहां पहुंचा, जमीला ने नहीं फरीदा ने कागज खोला और कहा जमाल की चिट्ठी आई है, जमाल की चिट्ठी आई है। अब इन्होंने क्या करना है, ये समझ गए कागज देख के, क्योंकि पढ़ी लिखी खातून थी, मैट्रिक तक पास थी, इनको समझ आ गया कि ये कागज में ये मुझसे पूछ रहा है कि मैंने इनको कितने पैसे, क्योंकि पीएसओ का क्या वेरीफाई कर रहे हैं, ये तुम्हारा रिसीवेबल है, पेबल है, तुम्हारा क्या है ये। अब फरीदा ने आवाज दी, जमीला, ए जमीला, जमीला ने बोला, जमीला ने कहा जी बाजी जी, बोले क्या काम है। जमीला को मैंने कहा भाई तू अपना जाके जीएल दे, जमाल का खत आया है, ये बता सिस्टम में क्या पैसे आ रहे हैं। थोड़ी देर में ये भागते भाई और बोली बाजी जी अब यहां करते डिसकंटिन्यू और आप निकालें अपनी बुकलेट का पेज नंबर 19 जहां पर कंफर्मेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। जी जमीला तुम वही रहना, हिलना नहीं, ठीक है, ऐसे ना हो तुम भाग जाओ, ठीक है जी। हजरत बुकलेट के पेज नंबर 19 के ऊपर कोई ग्रुप डाल दीजिए, पेज नंबर 19 के ऊपर जो है हमारे पास दिया हुआ एक्सटर्नल कंफर्मेशन का फॉर्मेट। हजरत पूरी क्लास यहां देखे और रिपीट करें, पीएसओ ने इस कस्टमर से 4 लाख रुपए लेने हैं एज पर रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। ये क्या है, ये ऑफ द कंपनी, ये क्या है, तुमने कितने पैसे लेने इससे। अच्छा जरा एक काम करें, जरा फर्स्ट पैराग्राफ यहां से पढ़ें, आवर ऑडिटर्स हजरत हम इस वक्त रीड कर रहे हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन का स्पेसिफिक फॉर्मेट। ये वो कंफर्मेशन का फॉर्मेट है जो मुख्तलिफ फर्म्स अक्रॉस द ग्लोब इस्तेमाल करती हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर कंफर्मेशन भिजवाने के लिए। ये जो कंटेंट है ये हमारा है, ये कंटेंट हमारा है, लेकिन कागज किसका है आगे जाके बात करूंगा कि कौन से कंफर्मेशन क्लाइंट के कागज पर जाते हैं और कौन से कंफर्मेशन ईवाई के कागज पर जाते हैं, टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर। अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, अगर आपके जहन में कोई सवाल है नोट कर लें। जी सर पढ़े, our auditor ENY chartered accountants are conducting an audit of our financial statement. ये कौन किससे कह रहा है, ये पीएसओ कह रहा है अपने कस्टमर से जो के हैं फरीदा जी। In connection therewith, they desire to confirm the balance due to from us on your account. या तो due to या from us. Or from us जी.
on your account as of June 30th, 2016. Ji. Please state in the space below whether or not this is in agreement with your records as at the above date. ठीक है. Please furnish the information you may have. That will assist our auditor. ये इनसे कह रहा है, ये PSO अपने कस्टमर से, क्योंकि कागज इनका है तो खत किसकी तरफ से जाएगा? जी. May assist our auditors in reconciling the differences, if any. After signing, stamping and dating your reply, please mail or text the same directly to our auditor. A stamped address envelope is enclosed for your convenience. फकत तुम्हारा प्यारा सीमेन स्लैश पीएसओ का सीएफओ यहाँ पर उनका सिग्नेचर आएगा. ये कंफर्मेशन रिपीट करो, कोई भी कंफर्मेशन क्लाइंट के अप्रूवल के बगैर, मैंडेट के बगैर नहीं जा सकती. एनी कंफर्मेशन कैन नॉट बी डिस्पैच अनलेस द क्लाइंट अप्रूव्स इट. जिसको बोलते हैं सिग्नेचर, जिसको बोलते हैं क्लाइंट मैंडेट. क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं हजरात क्लाइंट मैंडेट या क्लाइंट ऑथोराइजेशन. रिपीट कर रहा हूं, कोई भी कंफर्मेशन, चाहे डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो, लॉयर्स हो, बैंक हो, टैक्स हो, कोई और हो, कोई भी कंफर्मेशन क्लाइंट के अप्रूवल के बगैर आप नहीं भेज सकते. क्लाइंट का ये राइट है और आपकी ये ड्यूटी है, आप उनसे कंसेंट लें. क्योंकि जब मिसाल देता हूं मैं इसकी, मैं एग्जाम्पल देता हूं, आप पिक कीजिएगा. पीएसओ के ऐसे कितने कस्टमर्स होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप तेल सप्लाई कर रहे हैं, ऑयल लुब्रिकेंट जा रहा है, केरोसिन ऑयल भेज रहे हैं, फर्नेस ऑयल भेज रहे हैं. हर कंपनी और हर कस्टमर थोड़ी ना पढ़ा लिखा होगा. अब एक गांव देहात में आप सप्लाई कर रहे हैं पता नहीं कितना टन तेल, वो बंदा मैट्रिक पास या चोले जो भी होगा, उसको मैं भेज रहा हूँ कन्फर्मेशन AFF, और वो पर्ची कुछ ऐसे गई, सुनो तुमने इसको इतने पैसे देना है, जल्दी बताओ. ये बोलेगी भाई पर्ची आ गई किसी की, इसको क्या पता ENY चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन है, इसको क्या पता GT कौन है, इसको क्या पता AFF क्या है, इसको ये पता है जमाल से तेल लिया था हमने और जमाल की कंपनी का नाम है PSO, तो मेरे कागज से हिल जाएंगी ये, इनके कागज से हिल जाएंगी, क्योंकि मैं इनके लिए नॉन पार्टी हूं, अननोन पार्टी हूं. लिहाजा डेटर्स और क्रेडिटर्स कंफर्मेशन किसके कागज पे जाएगा? किसके साइन के साथ जाएगा? अब ये कागज जब इनके पास गया तो आगे की कहानी सुनते हैं जरा, ठीक है? अब आप मेरे साथ फॉलो करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे. आप क्या लिखा हुआ है? पेबल टू द कंपनी. हां दोबारा, पेबल टू द कंपनी. ठीक है, अब जरा ये पढ़ो हेडिंग. एज पर रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी. आप लोग यहां देखें, मुझे गेस्चर देखें, दोबारा पढ़ो ये. एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी. क्या? रिसीवेबल बैलेंस फॉर द कंपनी PSO. जो के कंपनी कौन है? PSO. तुमने कितने पैसे लेने इससे? अब ये कागज कहां चला गया? अब मैं तुम्हारी पार्टी का हो गया फरीदा, मैं तुम्हारी तरफ आ गया हूँ. अब मैं हूँ तुम्हारी तरफ, लेकिन तुमने ये पढ़ना है. पढ़े जी, शाबाश. एज पर आवर रिकॉर्ड्स. क्या? 350,000. हाँ, ये फरीदा को किसने बताया? जमीला ने. जमीला ने डंडी मार दी और कितना डिफरेंस बताया? अब जेन्युइन डिफरेंस है भाई. तुम कह रहे हो 4,00,000 रुपए लेने और आप क्या कह रही मेरी बहन? आगे क्या लिखा हुआ है? कॉल्ड. अब मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये 3,50,000 रुपए भरने के बाद, 3,50,000 रुपए भरने के बाद नीचे देखें क्या लिखा हुआ है. यहाँ पढ़े जरा, डिटेल्स ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी. फिर ये पढ़ो. मैंने इनसे कहा था कि अगर तुम्हारे पास डिफरेंस आ रहा है तो तुम ऑडिटर्स की और हमारी आसानी के लिए अपना स्टेटमेंट साथ में लगा के भेज देना. नीचे आ रहा है नेम एंड डेजिग्नेशन. अब इन्होंने अपना नाम लिखा, फरीदा जमाल सीनियर मैनेजर फाइनेंस. थप्पा मारा, कागज ऐसे फोल्ड किया और उस एनवेलप में डिस्पैच कर दिया जो मैंने तुम्हारी आसानी के लिए पहले से दिया हुआ था. वो कागज उड़ी बाबा करते हुए कहां पहुंचेगा? मैं कौन हूं? बिकॉज एक्सटर्नल एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी इज मोर रिलायबल. एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी इज मोर रिलायबल. मैं ये एविडेंस, मैं डेटर्स को वेरीफाई करने का एविडेंस PSO से वेरीफाई कर सकता था. मैं पहले सपोर्टिंग कागज देख सकता था, बट हमारा बड़ा प्राइमरी सब्सटेंटिव है आइजा 505 कह रहा है आप डायरेक्ट पार्टी से पूछें कि उसने कितने पैसे देने हैं. हमने आइजा 505 पढ़ा था,
रिलायबिलिटी के 5 एट्रीब्यूट्स हैं, डॉक्यूमेंटेड इज मोर रिलायबल, ओरिजिनल इज मोर रिलायबल, डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी इज मोर रिलायबल। अब जब ये कंफर्मेशन का जवाब दे देंगी तो दो बातें होंगी, या तो बैलेंस एग्री होगा या नहीं होगा। उससे पहले दो बातें होंगी, या तो ये जवाब देंगी या नहीं देंगी, या तो जवाब देंगी या नहीं देंगी, फिर दो बातें होंगी। अगर जवाब देंगी तो दो बातें होंगी, या तो बैलेंस एग्री होगा या बैलेंस एग्री, ये डिस्कशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से करेंगे। बट बिफोर वी वाइंड अप सेशन हम एक और बात डिस्कस कर लेते हैं, कॉल्ड टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन, पॉजिटिव नेगेटिव। फरीदा आपने हर हाल में जवाब देना है, चाहे आप इस बैलेंस से एग्री करें या डिसएग्री करें, ना करें ना डिसएग्री करें, हम उनसे बात करते हैं। डियर कस्टमर, डियर कस्टमर, प्लीज रिप्लाई वेदर यू एग्री और डिसएग्री, वेदर यू एग्री और डिसएग्री। वो कंफर्मेशन जिसमें वी आस्क द रिस्पोंडेंट टू रिप्लाई, चाहे एग्री करो या डिसएग्री करो, इज कॉल्ड पॉजिटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन में हम पार्टी से ये कहते हैं, पार्टी पार्टी जवाब दो, चाहे मानो या ना मानो, एग्री करो या डिसएग्री करो, जवाब तो दो। इन अ नेगेटिव कंफर्मेशन, इन अ नेगेटिव कंफर्मेशन वी आस्क द रिस्पोंडेंट टू रिप्लाई ओनली व्हेन यू डिसएग्री। दो टाइप्स की कंफर्मेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव जवाब दो, चाहे एग्री करो या डिसएग्री करो। इन अ नेगेटिव कंफर्मेशन वी आस्क द रिस्पोंडेंट टू रिप्लाई ओनली लोनली ओनली व्हेन यू डिसएग्री। इसका मतलब हम पार्टी से कह रहे हैं उस वक्त जवाब दें जब आप डिसएग्री करें। अगर पार्टी ने जवाब नहीं दिया, वो डिसएग्री कर रहा है, उसने जवाब नहीं दिया, हम क्या समझेंगे क्या आप एग्री कर रहे हैं? इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव कंफर्मेशन इज मोर रिलायबल, पॉजिटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड्स मोर परसुएसिव और एविडेंस, वेयर इज नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड्स लेस परसुएसिव, लेस रिलायबल एविडेंस। क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन में ये रिस्क है, हमने पार्टी से कहा अगर आप बैलेंस से डिसएग्री कर रही हैं तो जवाब दीजिएगा, ये डिसएग्री तो कर रही हैं लेकिन ये जवाब देना भूल गई, आगे पीछे कागज चला गया, जवाब नहीं आया, मैं ये समझ रहा हूं कि सब कुछ ठीक है जबकि एक्चुअल में कुछ भी ठीक नहीं है। लिहाजा प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर मैंने अपनी 4.5 साल की ईवाई का आर्टिकलशिप के अंदर मैंने कभी भी नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेजी, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर हम नेगेटिव कंफर्मेशन डिस्पैच नहीं करते, वी ओनली डिस्पैच पॉजिटिव कंफर्मेशन। लेट्स कंक्लूड, रिपीट करें, एक्सटर्नल कंफर्मेशन दो टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव रिप्लाई करें, चाहे एग्री करें या डिसएग्री करें। Whereas in a negative conversation, we request the party to reply, we request the respondent, चाहे मेरा customer है या मेरा supplier है। चूंकि यहाँ हम debtors पढ़ रहे हैं, चूंकि हम debtors पढ़ रहे हैं मेरा बच्चा, लिहाजा यहाँ हम supplier नहीं कह रहे, यहाँ हम कह रहे हैं customer। हम customer से कह रहे हैं चाहे तुम agree करो या disagree करो, जवाब दो, ये positive है। और अगर हम नेगेटिव कंफर्मेशन भेजेंगे तो हम इनसे कहेंगे यहां पर कि प्लीज रिप्लाई ओनली व्हेन यू डिसएग्री। चूंकि ये रिस्क है कि आप डिसएग्री कर रहे हैं और आपने जवाब नहीं दिया, हम ये समझ रहे हैं सब कुछ ठीक है जबकि एक्चुअल में कुछ भी ठीक नहीं। लिहाजा पॉजिटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड्स मोर पर्सुएसिव, इट प्रोवाइड्स मोर रिलायबल एविडेंस, वेयर एज नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड्स लेस पर्सुएसिव और लेस रिलायबल और एविडेंस। हजरात ये हमने कंप्लीट किया डेटर्स प्लस आइजा 505 का पहला पार्ट, हम आगे बढ़ेंगे और अब इस लेक्चर के बाद जो है ये बोर्ड पर एक पूरा डायग्राम बनेगा और मैं आइजा 505 को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समराइज करूंगा और हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि पॉजिटिव के क्या एडवांटेज हैं, नेगेटिव के क्या एडवांटेज हैं, दोनों के क्या डिसएडवांटेज हैं और नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने की कौन सी कंडीशंस हैं, इसको रिवाइज करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड।